सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 8 जनवरी। नाम के प्रति प्रेम नाम के सहवास से ही उत्पन्न होता है। नाम के प्रति प्रेम निर्माण के लिए अपनी प्रेममयी माता की ओर देखो। बच्चे को बुखार आता है तो माँ का कलेजा धड़कने लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है और ऐसी अनेक बातें होती हैं। तात्पर्य, उसे चारों ओर से अस्वस्थता घेर लेती है। नाम लेते समय कितना भी व्यत्यय आ जाए, हमारी ऐसी स्थिति होती है क्या? इसका उत्तर हमें स्वतः से ही मिल सकता है। नाम लेना जपना मेरा धर्म है, मेरा आद्य कर्तव्य है, उसके बिना जीना मरने जैसा ही है। नाम लेने में मेरा अत्यंतिक हित है, बल्कि नाम के लिए ही मेरा जन्म हुआ है और उसी में मुझे तद्रूप होना है। ऐसी प्रज्वलित भावना से नाम लेना जरूरी है। और फिर नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम उत्पन्न नहीं होता, इसका अर्थ ही ये है कि हम नाम सच्ची आस्था से नहीं लेते हैं। इस पर उपाय यही है कि निश्चय पूर्वक जैसा ले सकते हैं वैसा नाम लेते रहना चाहिए। वही नाम हमें एक एक पग आगे बढ़ाता हुआ अपने ध्येय तक पहुंचा देता है। अच्छी परिस्थिति आएगी तब मैं नाम लूंगा, ऐसा कहने वाला मनुष्य कभी भी नाम नहीं लेता है। नाम मन ही मन या उच्चार करके भी लिया जा सकता है। नाम स्मरण में रहने पर अंतःकरण की शुद्धता होती है और अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है। केवल बहुत सारा नाम जप करने की अपेक्षा विवेक से और विचार पूर्वक आया हुआ प्रेम नाम में होना जरूरी है। सच कहा जाए तो नाम में ही नाम का प्रेम निहित है। दही बिलौते हैं, उसमें मक्खन होता ही है, केवल वो ऊपर दिखाई नहीं देता, पर छांस को मथने पर वो ऊपर आ जाता है। वैसे ही भगवान का नाम लेने पर उसका प्रेम अपने आप ऊपर आ जाता है। साधारण शब्दों का प्रभाव हमारी चित्तवृत्ति पर होकर अलग अलग भाव हमारे मन में निर्माण होते हैं, तो भगवान का नाम लेने से उसके प्रति प्रेम भाव क्यों नहीं आएगा? आज तुम्हें जो भी खाली समय मिलता है वो सारा भगवान के नाम स्मरण में व्यतीत करने का प्रयास करो। बहुत दिन एक ही घर में रहने से उस घर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता ही है ना? गृहस्थी का प्रेम हमें उसके सहवास से ही उत्पन्न होता है। वैसे ही नाम स्मरण के अखंड सहवास से उसका भी प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है। उठते बैठते चलते बोलते भगवान से निरंतर अनुसंधान यानी संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। लंबे कालांतर तक चलने वाले किसी भी व्यसन की मनुष्य को आदत सी हो जाती है और फिर मनुष्य अधिकता से उस व्यसन के अधीन हो जाता है। अफीम की ही बात ले लीजिए। अफीम लेने वाला दिन ब दिन अधिक अफीम सेवन करने लगता है। ऐसे ही भगवत चिंतन का हमें भी व्यसन लगना चाहिए। किसी अच्छी बात को साधना कठिन ही होता है, परंतु थोड़े कष्ट द्वारा अधिक प्राप्ति करा देने वाला साधन नाम स्मरण के अलावा कोई नहीं है। इसीलिए अंतकरण से निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। नाम में प्रेम दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। एक, गुरु को पसंद है इसलिए लेना चाहिए। दूसरा, नाम लेने में ही मेरा कल्याण है इस भावना से नाम स्मरण करना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।